हेलो दोस्तों, अगर आप भी गर्मियों में कुछ बनाने की सोच रहे हैं तो चलिए ये रेसिपी बनाते हैं। बिना ऑयल के बहुत ही कम समय में बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने लिया है 1 कटोरी सूजी। सूजी मोटी या पतली कोई भी आप ले सकते हैं। इसी कटोरी से हमने 1 कटोरी लिया है फ्रेश दही। यहीं पर हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपकी दही कम पड़ती हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। पानी हमें इतना ही डालना है कि सूजी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, अच्छे से फूल जाए। ज़्यादा पानी का और दही का यूज नहीं करना है हमें। ढक्कन से ढककर इसे हम 15-20 मिनट के लिए रख देंगे ताकि हमारी सूजी जो है अच्छे से फूल जाए। यहीं पर हमने मटेरियल लिया है 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 2 बारीक कटा हुआ टमाटर, 2 से 3 हरी मिर्च, हरा धनिया। तो 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे ढक्कन हटाकर देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि सूजी कितनी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है और अच्छे से फूल गई है। तो अब हम इसे पिस्टर की मदद से अच्छे से फेंट लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अभी हमारा बैटर जो है बहुत ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 1 बारीक कटा हुआ टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर मीन्स काली मिर्च। यहीं पर ऐड करेंगे हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स आपके पास हो तो डालिए, वरना स्किप कर सकते हैं। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी हमने पहले नहीं डाला, नहीं तो हमारा बैटर ख़राब हो जाता। अब हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे। पानी आप एक साथ ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके यूज करें। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तब हम यहाँ नॉन स्टिक तवा लिए हैं, इसमें हम डालेंगे बटर। बटर की जगह आप ऑयल भी ले सकते हैं, रिफाइंड ऑयल। तो बटर को अच्छे से गरम कर लेंगे। अब हम इसमें बैटर को हल्का सा ऐसे रख के प्रेस कर देंगे, हल्का सा ऐसे सर्कल शेप दे देंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा 1 बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, हरा धनिया। इसे हल्के से कलछी की मदद से प्रेस कर देंगे ताकि जो है अच्छे से सेट हो जाए। अब हम इसे दूसरी तरफ पलट देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा उत्तपम जो है बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है। वाह, आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर आया है। ये नाश्ता बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। बच्चे बड़े सभी को बहुत ही पसंद आती है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।